तस्वीरें रायपुर के गांधी मैदान की हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं के साथ मौन सत्याग्रह पर बैठे। राहुल गांधी के समर्थन में सीएम बघेल के साथ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कई बड़े नेता धरने पर बैठे। दरअसल मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को अब तक कोर्ट से राहत नहीं मिली है। राहुल गांधी के प्रति समर्थन और एकजुटता दिखाने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठे। बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी सर नेम वाली टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के दोष सिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध खारिज कर दिया। वहीं सांसदी गंवाने के बाद हाई कोर्ट ने भी राहुल को राहत नहीं दी, जिसके बाद कांग्रेस कोर्ट के इस फैसले को लेकर असहमति जता रही है। 7 जुलाई को जब कोर्ट का फैसला आया, तब भी सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं ने रायपुर के अंबेडकर चौक पर धरना प्रदर्शन किया था, जहां सीएम ने कहा था अंग्रेज केवल महात्मा गांधी से डरते थे। ठीक वैसे ही बीजेपी राहुल गांधी से डर रही है। अंग्रेज और बीजेपी दोनों फूट डालो राज करो की नीति पर चल रहे हैं। बीजेपी के लोग डरे हुए हैं, सच का सामना नहीं कर सकते। राहुल गांधी सच की बात करते हैं, ईमान की बात करते हैं। अब तो लोकसभा से भी सदस्यता समाप्त हो गई है, फिर भी ये डर रहे हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ने का काम किया, उन्होंने सच्चाई के साथ लड़ाई लड़ी। कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक हर जगह राहुल गांधी के साथ लोग थे। राहुल गांधी को भाजपाई कितना भी परेशान कर ले, राहुल गांधी ना झुकेंगे और ना रुकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।